अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मैं आपको अपने चैनल सी एस एस एन पी एम एस एस्पायरेंट अकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया और जिस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वो सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एफ आई ए कस्टम इंटेलिजेंस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, जिसके पेपर 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश एसेज, करंट अफेयर, ये सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ का भी, पाकिस्तान स्टडीज़ का भी, ठीक है, सिवाय एक टॉपिक है पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक भी इंशाल्लाह आज मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया वो है अफगानिस्तान क्राइसिस। ठीक है, अफगानिस्तान क्राइसिस पर मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो। ठीक है, इसमें चाइना और रशिया का रोल है। ठीक है, कि अफगान पीस प्रोसेस में चाइना और रशिया का क्या रोल है। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने सी एस एस एन पी एम एस एस्पायरेंट अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले और आसानी से मिल सके। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी अफगानिस्तान पीस प्रोसेस इन रोल ऑफ पाकिस्तान, और उससे पहले मैंने अफगानिस्तान क्राइसिस एंड पॉसिबल सोल्यूशन टू रिजॉल्व पीस प्रोसेस। ठीक है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, रशिया एंड चाइना रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में चाइना और रशिया का भी अहम रोल है। ठीक है, पाकिस्तान का तो रोल अहम है लेकिन इसके साथ चाइना और रशिया का भी बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जो ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा जो ना आप लोगों के लिए मेहनत की है ताकि आप लोगों के टेस्ट में, अगर इस सी एस एस में आते हैं, ठीक है, करंट अफेयर में आते हैं या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के करंट अफेयर में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अफगानिस्तान क्राइसिस से, तो आप लोगों के लिए आसानी हो। ओके, मेरी एफर्ट्स और जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की, ताकि आप लोग जो ना इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स से कामयाब हो सके। बस इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोगों का काम है, तो प्लीज़ इस चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल वर्डिंग में और बहुत फैक्ट्स एंड फिगर भी ऐड किए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, ठीक है। और अब आसान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का रोल तो अहम है, इस इन रीजन में जो है चाइना और रशिया का भी रोल बहुत ज़्यादा अहम है। अगर ये तीनों मुल्क चाहें तो अफगानिस्तान में पीस आ सकता है, ठीक है, और ये इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और ट्रेड के लिए बहुत अहम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट स्टूडेंट के साथ शेयर करना अब आप लोगों का काम है। वीडियो बनाना मेरा काम है, उसको शेयर करना आप लोगों का काम है। तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करते हैं यार, पाकिस्तान के मोस्ट इन्फॉर्मेटिव चैनल में से एक चैनल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़।